अभी हम दो डैम घूमने जा रहे हैं, एक गोंगरल डैम और एक मुरुमचिली डैम। हम केसकाल से रायपुर तक जा रहे हैं और कांकेर साइड हम उसको कवर करेंगे, वो रोड पे पड़ता है कांकेर साइड। तो अभी फिलहाल वहाँ पे जाने के पता चला गया कि उसको गोंगरल डैम को मिनी गोवा भी क्यों बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। फाइनली वी आर हियर इन मुरुमचिली डैम। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है पूरा डैम का। यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है पूरा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट हुआ है और बहुत सारे अभी पिकनिक भी कर रहे हैं फिलहाल, और पूरा एकदम अच्छे से डेकोरेट करके यहाँ पे नहाने का पूरा बंदोबस्त है। और ये डैम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा डैम है और कितना बोला जाता है कि महानदी का ही ये पार्ट है जो रिवर का। तो अभी ये देख सकते हैं आप, बोटिंग का भी पूरा सुविधा है पूरा एकदम। तो ये गोंगरल को कनेक्ट करता है, जो अभी हम इस बार इसके बाद जाएंगे, जो मिनी गोवा बोलते हैं हम। तो वहाँ से बोटिंग वगैरह का पूरा सुविधा है, और वो दूर अभी कैमरा में आ रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बोटिंग पे वहाँ पे कर रहे हैं और इतना अच्छा नज़ारा है और इतना माहौल। अभी एक छोटा जंगल टाइप का भी है पूरा, तो जंगल मतलब वो एक अच्छा व्यू दे रहा है और नेचुरल जो है डैम है ये एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। और अब और इसका रिजर्वर भी बहुत बड़ा है। हाँ, रिजर्वर बहुत बड़ा है। आप अगर तो डैम उधर तक जाओगे तो आप जान सकते हैं कि उसका, और कंपेयर कर सकते हैं केओंझर का कांजरी डैम और ये। तो और आइए अपने फैमिली के साथ, और पिकनिक वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा पार्क वगैरह वहाँ पे बनाया गया है, बोटिंग का सुविधा है और अच्छा लगेगा आप लोग को। सो अब क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, नहा नहीं सकते क्योंकि अभी और एक डैम में अपन को कवर करना पड़ेगा, जो कि उसके बाद अपन रायपुर भी रिटर्न करना होगा। तो 3 दिन का ट्रिप हो गया, 1 दिन के लिए आए थे, 3 दिन हो चुका है और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी अभी चल रहे हैं साल लोग। मेरे को लग रहा है थोड़ा नहा लेना चाहिए, क्योंकि बाल जो है ना एकदम से धूल मिट्टी में वो एकदम सोन पामड़ी बन गया है, तो उसमें नहा लेते तो थोड़ा अच्छा। बाल का तो पूरा शरीर का गया है अभी एकदम। तू तो 3 दिन से नहीं नहाया है। कल तो नहाए थे ना उधर, फेस फेस नहाना नहीं बोलते थे कि हम सोचे थे कि अभी थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे गोंगरल डैम, लेकिन क्या हुआ वो हेक्टिक हो गया थोड़ा शेड्यूल, क्योंकि हम लोग का वो टायर थोड़ा पंचर हो गया रास्ते में, उसको ठीक करते हुए। और वो भी एक जर्नी था, जैसे गांव में कैसे टायर को पंचर वाले को ढूंढना, कैसे उसको ठीक करना, तो वो होके अभी फिलहाल जो भी हो अच्छे के लिए होता है। अभी हम पहुँच गए है मिनी गोवा, जो की है अपना गोंगरल डैम, और आप देख सकते है उसका माहौल, रिसोर्ट वगैरह है, पूरा गोवा वाला फील आ जाएगा तुमको, इसीलिए ही बोलते है इसको गोवा, मिनी गोवा। तो आप देख सकते हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ये बीच वाला फीलिंग मेरे को अभी आ रहा है। और हम बोटिंग तो नहीं कर पाए, बोटिंग फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन हम पूरा जो इवनिंग वाला जो रिसोर्ट का और बीच का मजा लेंगे, हम पूरा लेंगे। आप अभी देख रहे हो जैसा कि बिना बियर के पूरा नशा इसे कैसे हो रहा है, अभी बिना बियर के नशा कहते हैं ना, बस इसको हो चुका है। अभी बीच वाला एंजॉय करेंगे पूरा, फुल ऑन मून पे है अभी, गाना बजेगा गोवा वाले बीच पे, और हम अभी डांस करने वाले हैं और पूरा एंजॉय करें। माहौल भी हो चुका है, लाइट सेट हो चुका है, वो फील भी हमको आ रहा है, रिसोर्ट है अभी। तो हम तो मिलते हैं अगले ट्रिप पे, अगर हम लोग इधर जल्दी आते हैं तो हमें उधर बोटिंग करने को मिल जाएगा। और चाया गया धन्यवाद। अरे थैंक्स।